अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहनाज की बात हुई पाकिस्तान के एक बड़े रियलिटी शो में। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह के शहनाज जहाँ भी जाती है लोग शहनाज को भूल ही नहीं पाते, और जो शहनाज को एक बार देख ले वो तो कभी नहीं भूलने वाले। जैसे ही शहनाज को हमने बिग बॉस में पहली बार देखे थे, आज तक हम शहनाज के वैसे ही बिग फैन हैं। उसी तरह एक फ़ैन से मिलिए, ये देखिए आप, जो बीच में बैठे हुए शख्स हैं ना, ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर थे और ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रियलिटी शो में हिस्सा लिया हुआ है इन्होंने। और ये अपने ग्रुप से कह रहे हैं, सामने जो लेडी बैठी है बातों बातों में वह शहनाज का जिक्र करते हैं कि मैंने बिग बॉस में एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की को देखा था, और जब मैं दुबई गया तो मैं उनसे वहाँ पर मिला। जैसे मैंने उन्हें टीवी पे देखा था, चुलबुली सी, प्यारी सी, नटखट सी, जो दिल में है वही ज़ुबान पे, कुछ छुपाती नहीं, कुछ गलत नहीं कहती। और आज जब मैं दुबई में उनसे मिला, वो बिल्कुल हूबहू वैसी ही, नो चेंज नो डिफरेंट, शहनाज शहनाज ही है। शहनाज को कोई बदल ही नहीं सकता, उसे देखकर तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, ये वही शहनाज है ना। सिर्फ इतना है कि वो थोड़ी पतली हो गई है, लेकिन शहनाज की खूबसूरती मासूमियत सेम वैसी है। और वो जो लेडी बैठी हुई थी वो गौर से सुन रही थी शहनाज की बातें। शहनाज इतने प्यार से लोग उनसे ट्रीट करते हैं, आज भी उसके फैंस हैं, और ये लेडी बस सुने ही जा रही थी शहनाज की बातें। क्योंकि हमसे कोई शहनाज की बातें करता है और हम बस ऐसा लगता है कि सुने ही जाए सुने जाए। और ये देखिए, वो शख्स के आजू बाजू जो बंदे थे वो भी वो शख्स के बात सुन रहे थे कि वो कितने प्यार से कॉन्फिडेंस से अपनी आइडल का नाम बता रहा है कि देखो ये मेरी फैंस है और मैं इनसे मिलकर आया हूँ दुबई में। ये हूबहू वैसी है जैसे मैंने टीवी के रियलिटी शो में देखा था। जैसे रियल में रियलिटी शो में रियल रहते ना, वो पर्सनालिटी में भी वैसे ही रियल है। और ये देखिए, ये वहाँ का लाइफ चल रहा था और ये वो रियलिटी शो है, बहुत बड़ा शो है पाकिस्तान का। और यहाँ इतने बड़े शो में हमारी शहनाज की रियलिटी शो की बात हो रही, और रियलिटी में भी शहनाज गिल वैसी ही है, प्यारी सी, स्वीट सी, मासूम सी, और ये उनके बिग फैन है दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम हमारे आइडल से मिले और हम उनके पीछे भी उनकी ही बातें करें तो ये एक बिग फैन की निशानी।